राज्यसभा रे पारित होई केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन बिल बिल उपरे आलोचना अवसर में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते जे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्रे होई सारी हेले तेलंगाना सरकार को असहयोग विलंब होला। जनजाति विषय में विशेष अध्ययन करिवारे विश्वविद्यालय बे सहायक हेबो। यासह नूतन शिक्षा नीति को प्रतिटी राज्य आपणाउथिबा कहिथिले केन्द्रमंत्री। सेबरे परिवारवाद को नै बर्षिथिले केन्द्रमंत्री। स्वाधीनता परे गोटिए परिवार ही निजकु सर्वे सर्वा बा निजकु ही देश भावि नैथिला। सरदार पटेल को सम्मान मिलिनथिले हेले एबे प्रधानमंत्री स्टाच्यू ऑफ यूनिट बनाई तांकु सम्मानित करथिले। यासह इतिहास परिवर्तन रो आरोप रे जवाब दे केन्द्र शिक्षा मंत्री कहिछंती भगवान बिरसा मुंडा को जयंती को जनजाति गौरव दिवस भाबे पालन करिबा कोन इतिहास परिवर्तन करिबा की देशर जनता दुई थर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद करिछंती। तृतीय थर मध्ये मोदी ग्यारंटी ही रहइबो बोली कहिथिले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। उपाध्यक्ष जी, जानबूझ के कुछ एक तत्व ऐसे एक सामंतवादी मानसिकता में ग्रस्त हो गए थे आजादी के उपरांत, जैसे ही वही देश है उन्हीं की खानदानी देश की मालकियत रखती है, ऐसे परंपरा ऐसे कुछ लक्षण देश के कुछ अन्य राज्यों में भी दिखने को मिलता है। जैसे एक दो फैमिली ही उस राज्य की मालकियत उनके पास है, जैसे एक देश एक घर की परिवारवाद में चलता है। लेकिन तथ्य तो ऐसे नहीं कहते थे, ऐसे सारे छुपे हुए तथ्य को नरेंद्र मोदी जी ने पण किया है देश के सामने लाने के लिए। क्या सरदार पटेल जी को सम्मान करना नहीं चाहिए था? इस सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को देश भूल सकता है? इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार पटेल को गौरवान्वित किया। अभी हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी उल्लेख कर रहे थे, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ये तो अभी नहीं बना है, ये तो इतिहास का हिस्सा है, हम इतिहास बदल रहे हैं। हमने कहा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, लंबी लकीर हमने खींचा। अगर किसी को इसी में आपत्ति है हम क्या कर पाएंगे? जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।